दोस्तों सब्सक्राइब करें चमत्कारी समाधान को, प्रेस करें इस बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं राशि। दोस्तों एक समय था जब लोग नहाने के बाद सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करते थे, सबसे पहले ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते थे। लेकिन आज के समय लोग नहाने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं वो है डियो लगाना। दोस्तों डियो, इत्र, परफ्यूम ये सभी सुगंध से जुड़े होते हैं। सुगंध का हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्व होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सुगंध से किस तरह सफलता प्राप्त की जा सकती है, किस व्यक्ति को कौन सी सुगंध लगानी चाहिए। पहला, बेला चमेली की सुगंध। बेला चमेली की सुगंध का प्रयोग केवल विवाहित दंपति को करना चाहिए। ये सुगंध विवाहित जीवन में प्यार बढ़ाती है। दूसरा, रात की रानी। मन की शांति के लिए रात की रानी का पौधा बेडरूम में लगाएं अथवा उसके फूल कमरे में सजाएं। ये सुगंध कोई भी उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। तीसरा, मोगरे की सुगंध। धन से संबंधित किसी भी काम के लिए घर से निकलने से पहले मोगरे की सुगंध का इस्तेमाल करें, लाभ होगा। चौथा, गुलाब की सुगंध। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुलाब की सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सुगंध से मन चंचल हो जाता है। युवा श्रेणी के जातक इस खुशबू का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा, कपूर की सुगंध। रात्रि में सोने से पहले घी में डुबोया हुआ कपूर जला दें। इससे तनाव से मुक्ति मिलेगी और नींद भी गहरी आएगी। ये खुशबू आपके शरीर को हमेशा सुरक्षित और साफ सुथरा रखेगा। छठा, लोबान या गूगल की सुगंध। महीने में दो बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान या गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा से बचाव होता है तथा बीमारी दूर होती है, साथ ही ग्रह क्लेश में भी शांति होती है। सातवां, कपूर और अष्टगंध। ग्रह क्लेश दूर करने के लिए घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। वीरवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। इससे भी सुगंधित वातावरण होगा। तो दोस्तों ये थी सुगंध में जुड़ी आपकी सफलता के कुछ टिप्स। अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।